गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 13 अप्रैल और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। 20 लाख बेरोजगार ध्यान दें, इसी महीने के अंत तक फर्स्ट ग्रेड व रिट शिक्षक भर्ती का रिजल्ट संभव, ग्रेड सेकेंड में लगेगा समय। सीएम ने की थी 5,000 स्कूल कर्मोन्नत, इनमें से 4,000 तो सीधी 10वीं से 12वीं हो गई। चुनाव नज़दीक, कर्मोन्नत 4,000 स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत, इसलिए नियुक्तियां भी जुलाई तक कराने के प्रयास। नेक्स्ट अपडेट चलते हैं, देखिए पहले दिन चयनित 100 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया, 96 की करवाई काउंसलिंग जबकि 4 अनुपस्थित रहे। आज मिलेंगे नियुक्ति आदेश। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022, भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग गोदारा कॉलेज गेट नंबर 4 में आयोजित की जा रही है, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट टाइम बोर्ड परीक्षाओं में नहीं 5-स्टार रेटिंग का कोई स्कूल, ना नामांकन बढ़ा ना ही उपस्थिति, अलवर की 25वीं रैंकिंग। CBSE परीक्षा 2024, सवाल हल करने की कोशिश पर भी मिलेंगे अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। परीक्षा 10वीं में 50% सवाल MCQ आधारित, पिछले शैक्षणिक सत्र में ऐसे प्रश्नों का भार अंक 40% था। AICT ने 4 साल बाद ही नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की छूट, लेकिन अभी भी 9,000 सीटें खाली। संविदा भर्ती L1 के 7,140, L2 के 2,572 पद, अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों के 9,712 पदों पर 31,349 आवेदन। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट सेशन इस बार भी एक माह लेट होगा, 15 सितंबर तक एडमिशन चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का समापन आज, 9 मार्च से चल रही थी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षा एक ही दिन में 32 विषयों के पेपर हुए। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 21 विषयों के पेपर हुए। 12वीं का आज चित्रकला का होगा पेपर। मॉडल स्कूलों में प्रवेश परीक्षा 15 को, बोर्ड की स्थगित परीक्षा आज होगी। RPSC स्टाफ की कमी से इंटरव्यू, एग्जाम और काउंसलिंग में देरी, RS 2021 भर्ती की 1.5 साल से प्रक्रिया ही चल रही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की काउंसलिंग में 21 अभ्यर्थी नहीं आए। गार्गी पुरस्कार 1.12 लाख बालिकाओं को 30 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। बेरोजगारों को झटका, चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां निरस्त, नए सिरे से होगी प्रक्रिया। सम्मान परीक्षा 18 से, प्रश्न पत्रों का वितरण 15 को, 27 अप्रैल तक होगा आयोजन। 41,243 विद्यार्थी देंगे कक्षा 9 व 11 की परीक्षा। विश्वविद्यालय ने जारी किए परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र, लगातार विद्यार्थियों की पीड़ा राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद जागा विश्वविद्यालय प्रशासन। नहीं छूटेगा होमवर्क, डिजिटल क्लास है ना। तय समय सीमा में हो TSP के कार्मिकों का तबादला, हाईकोर्ट। PM-SRI योजना बदलेगी ग्रामीण विद्यालयों की दशा, 800 करोड़ खर्च होंगे। नागौर जिले में 18 विद्यालय का चयन, प्रत्येक पर करीब 2 करोड़ रुपए होंगे खर्च। स्मार्ट क्लास एवं आधुनिक शिक्षा से लैस होंगे विद्यालय। प्रदेश भर में भवन बनकर तैयार, सरकार नहीं खोल पाई प्राथमिक शिक्षा के द्वार। राज्य की कांग्रेस सरकार ने मॉडल स्कूलों में प्राथमिक शिक्षण शुरू करने की रुचि नहीं दिखाई। 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से, प्रदेश में 14.67 लाख विद्यार्थी पंजीकृत, किसी भी विद्यार्थी को नहीं रखा जाएगा परीक्षा से वंचित। मुख्यमंत्री अनुपर्ती कोचिंग योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल। अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनने पर छूट रही हिंदी माध्यम की पढ़ाई, बच्चे हो रहे परेशान, ग्रामीणों की मांग हिंदी माध्यम का विद्यालय हो शुरू। 18 साल से विश्वविद्यालय की नहीं बदली ग्रेड, इस साल भी नहीं आसार। सरकारी स्कूलों में चपरासी के 18,000 पदों पर होगी भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। संस्कृत विषय की विचारी सूची में 404 अभ्यर्थी शामिल, फर्स्ट ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा।
हैंडीमैन सहित 495 पदों पर आवेदन आमंत्रित। अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को आरएस सहित अन्य नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। राज्य सरकार अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से ये व्यवस्था कर रही है। राज्य की 75,754 बालिकाओं को गार्गी, 36,595 को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार। आवेदन फिर से हुए शुरू। स्टेनोग्राफर सी व डी ग्रेड की परीक्षा फिर से होगी। 25 व 26 अप्रैल को होगा एग्जाम। ऐसे जॉब फेयर इंजीनियरिंग को 12,000 महीने में सेल्समैन की नौकरी ऑफर, इसके लिए भी 15,000 का बोनस जरूरी। प्रदेश के बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए पीटीटी 21 मई को, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का अच्छा सा सुविचार। शरीर को ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाए लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।